सो हेलो गाइस, अभी आप जो मेरे हाथ में ये कैमरा देख रहे हैं ये है निकोन का मॉडल है और इसको मैंने परचेस किया था चांदनी चौक दिल्ली के चौधरी गुच्छा मार्केट से। और इसको तकरीबन 8-7 महीने यूज़ करने के बाद मुझे इसके साथ क्या दिक्कत फेस करनी पड़ी और आज की वीडियो में इसी के ऊपर बात करने वाले हैं कि अगर आप चांदनी चौक से कैमरा खरीदने जा रहे हो इस टाइप की कैमरा कंडीशन आप देख लो कितनी ज़्यादा इसकी कंडीशन अभी आपको अच्छी लग रही होगी। तो इस टाइप का अगर आप कैमरा मार्केट में खरीदने जा रहे हो तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा और किस तरह से आपको इस मार्केट में पागल बनाया जाता है ये आपको मेरे सिवा और कोई नहीं बताया, क्योंकि भाई मैं सीधा आपको प्रूफ के साथ में आपको बताऊंगा और मेरे साथ बीती है तो मैं आपको बताऊंगा। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू दी वीडियो। अभी जो आपने स्टार्टिंग में ये वीडियो क्लिप देखी, इस वीडियो पे भाई लिटरली 9 लाख से भी ज़्यादा व्यूज हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इस पे तकरीबन 4-5 हज़ार से भी ज़्यादा कमेंट्स और 2 लाख से भी ज़्यादा लाइक है। लेकिन फिर भी इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जो कि मुझसे छूट गए थे, जिसका जवाब मैं नहीं दे पाया था। वो पॉइंट्स क्या थे कि ये कैमरा मैंने कहाँ से लिया था, चांदनी चौक से लिया था कि चोर बाजार से लिया था। दूसरा जो सबसे बड़ा सवाल था कि भाई ये जो आपने कैमरा लिया था सिंगल लेंस ड्यूअल लेंस साथ, आपको कितने का पड़ा था, कितनी इसकी प्राइसिंग पड़ी थी। और तीसरा जो सबसे बड़ा सवाल था जिसने भाई मेरे सिर में दर्द कर दिया आपके कमेंटों ने, वो ये था कि भाई आप हमें उस शॉप का नाम बताओ कि जिससे आपने चीज़ को परचेस किया था, हम उस चीज़ से अवेयर हो जाएं। तो इन्हीं सब सवालों का मैं आपको जवाब देने वाला हूं। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर ये है कि ये इस वीडियो में जो भी मैं आप सभी लोगों को बात बताने वाला हूं ये सिर्फ मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने जिसको एक्सपीरियंस किया है तो मैं आपको बात बता रहा हूं, मैंने कहीं से किसी से सुन के कहीं से पढ़ के लिख के मैं कहीं से नहीं बता रहा हूं, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, अगर नहीं अच्छा लगे तो आप वीडियो को स्किप कर देना और भाई उल्टे सीधे कमेंट करना वो भी कर देना, मुझे घंटे का फर्क नहीं पड़ेगा। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आई होप कि वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगी। वीडियो को भाई शेयर कर देना उस भाई तक जिसको इस चीज की जरूरत है। लाइक सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर भी चलेगा, बट यार प्लीज ये कर देना क्योंकि यार कोई अवेयर हो जाए। तो सबसे बड़ा जो सवाल ये था कि भाई आप हमें ये बताओ कि ये जो कैमरा था निकोन का D3500 मॉडल, ये कैमरा आपने कहाँ से लिया था, चोर बाजार से कि चांदनी चौक से। तो आप सभी लोगों की जानकारी के लिए एक बात मैं ये बता दूं कि जो चांदनी चौक है और जो चोर बाजार है ये मार्केट लगते तो एक ही जगह है, लेकिन ये दोनों अलग अलग मार्केट हैं। जो चोर बाजार है वो सिर्फ संडे को लगता है और जो चांदनी चौक है वो सोमवार से लेकर शनिवार तक लगता है। तो मीन्स अगर आपको कैमरा चाहिए चोर बाजार से तो आप संडे की सुबह 4 से 6 के बीच में चले जाओ, आपको वहाँ पर कैमरा मिल जाएगा। वहाँ पर एक अंकल है जो कि स्कूटी पर लगा कैमरा सेल करते तो वो आपको कैमरा दे देंगे, ठीक है। लेकिन उसमें एक कंडीशन ये है कि 2000 से लेकर 10000 रुपये के बीच में आपको कैमरा दे देंगे, बट एक कंडीशन ये है कि उनके कैमरे की कोई भी गारंटी वारंटी नहीं होती है, चल गया तो चांद तक नहीं तो शाम तक भी नहीं। तो ये चीज़ को आपको देखना पड़ेगा और आप इस चीज़ से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हो कि जिस बाजार के आगे चोर लग गया तो उससे आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट मेरे केस में ऐसा नहीं है, मैंने कैमरा चांदनी चौक से लिया था। अगर आप वहाँ से कैमरा लोगे तो आप एक लीगल पेपर वर्क करवा लोगे, गारंटी वारंटी भी ले लोगे, क्लेम कर लोगे और आप अच्छी तरह से बातचीत भी कर लोगे, बट चोर बाजार में ऐसा नहीं होगा। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप चोर बाजार से कैमरा परचेस नहीं करें। अगर आपको कैमरा सेकंड हैंड कैमरा या फिर नया कैमरा ये परचेस करना है तो आप चांदनी चौक की मार्केट को विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे आप एक लीगल पेपर वर्क के साथ कैमरा वैमरा परचेस कर सकते हो। आई होप कि ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा कि चांदनी चौक और चोर बाजार से कैमरा कैसे लें, क्या है जो भी है, ये कन्फ्यूजन आपको दूर हो गया होगा। सेकंड जो सबसे बड़ा सवाल था कि ये जो निकोन का D3500 मॉडल था उसके साथ 2 लेंस थे, एक जो कि मान लो ये 18-55 लेंस था और एक जो था कि 70-300 का लेंस था। तो ये दोनों लेंस की आपको प्राइसिंग क्या पड़ी थी, प्राइसिंग। तो गाइस, प्राइस बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को एक बात बता दूं कि अगर आप कैमरा परचेस करने जा रहे हो तो उसके साथ जो एक किट लेंस आता है जो कि 18-55 होता है तो वो आपको ओरिजिनल मिलेगा, जाहिर सी बात है वो आपको ओरिजिनल मिलेगा। लेकिन अगर आप उससे एक्स्ट्रा लेंस लेते हो 70-300 या फिर 70-300, 55-250 अगर आप कैनन ले रहे हो तो उस केस में आपको लोकल लेंस भी दे देंगे जो कि एक चाइनीज लेंस होता है, तो वो लेंस भी आपको वहाँ पे पकड़ा देंगे। तो इस चीज़ से आप अवेयर हो जाना। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, दोनों लेंस मेरे ओरिजिनल थे, जो सच्चे वो सच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, दोनों लेंस मेरे ओरिजिनल ही थे और दोनों की प्राइसिंग मुझे अप्रोक्स पड़ी थी 29,000 रुपये से लेके 33,000 रुपये के बीच में, मुझे अप्रोक्स याद नहीं है बट इतने ही पैसे मैं 35 के यानी 35,000 रुपये उस मार्केट में मैं लेके गया था और 1,500 में बचा के लिया था। तो यही मेरे को अप्रोक्स मेरे को पड़ा था और जो गारंटी वारंटी वो दो साल की मेरे को लिख के दी थी और भाई को जो भी है वो मैंने उस वाली वीडियो मैंने बता रखा है। तो जो भी अगर आपको जानना है तो उस वीडियो को आप देख सकते हैं। तीसरी बात बताने से पहले कि मैंने कौन सी शॉप से ये कैमरा लिया था, उस बात को बताने से पहले आप लोगों से एक बात बताना चाहूँगा कि भाई देखो, आज की डेट में कोई भी मार्केट हो, मैं कैमरा मार्केट के नहीं हर मार्केट के बारे में बात कर रहा हूँ कि लोग आपको पागल बनाने के लिए बैठे हैं।
अगर आप अपना पर्सनल सेंस यूज नहीं करते हो तो। मेरे केस में भी ऐसा ही हुआ था, मैं ज़्यादा एक्साइटेड था, मुझे कैमरा परचेस करने से पहले, इन्वेस्ट करने से पहले मुझे मार्केट के ऊपर, कैमरा मार्केट के ऊपर मुझे रिसर्च करनी चाहिए थी, जो कि मैंने नहीं किया। इसमें मैं अपनी गलती भी कहूँगा, दुकानदार की गलती इसमें तकरीबन कुछ नहीं तो 60% गलती है, तो 40% गलती इसमें मेरी भी है, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है, क्योंकि हर मार्केट में भाई, जैसे मान लो मैं एक बंदा हूँ, मैं भाई फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का बिजनेस करता हूँ, तो मैं सबसे पहले अपना फ़ायदा देखूंगा ना, मैं कस्टमर का फ़ायदा क्यों देखूंगा। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ कि मैं कस्टमर को सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ कि ये है ऐसे करके। लेकिन वहाँ पे उस दुकानदार की गलती ये थी कि उसने मुझे, मेरे साथ जो फ्रॉड किया सो किया, लेकिन उसने मुझे सजेस्ट भी नहीं किया कि आप ये कैमरा ले लो, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, इतने पैसे में आप बढ़िया रहेंगे, स्टार्टिंग कर सकते हो, वो उसने ऐसा नहीं किया। और भाई यही बात थी कि भाई मेरे साथ फ्रॉड हुआ था। बट अगर आप इस वीडियो को लेके भाई दुकानदार के पास अगर जा रहे हो दिखाने के लिए, पहुंच जाओगे कि भाई ये कैमरा भाई आपने फ्रॉड किया था हमारे साथ, ऐसा मत करना, तो भाई ऐसा आप बिल्कुल मत करना है किसी से। भाई कोई हेट नहीं लेनी है ना हेट देनी है, बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए वीडियो में मैंने आपको बना रखी है। जाहिर सी बात है, जमाना यही है भाई, अगर आप पागल बनना चाहते हो तो कोई भी बना देगा। अपना अगर आपने अपना पर्सनल सेंस यूज किया, जाहिर सी बात है आप मार्केट में खेल जाओगे। और भाई ये अपना एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बट अगर आप कैमरा लेने जाओ तो उसका आप एक बिल बनवा लेना और उनसे भाई सही तरीके से बात कर लेना कि भाई गारंटी किस चीज़ की है, कैमरे की गारंटी है, बॉडी की गारंटी है, कि लेंस की गारंटी, किस चीज़ की गारंटी है, ये सब आप वहाँ पे करवा लेना। मैंने नहीं करवाया था तो भाई उन्होंने मेरा लेंस रिपेयर नहीं किया, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना दी। तो बस यही थी। तो दुकान का नाम जैसी आप चांदनी चौक चौधरी गुच्छा मार्केट, मार्केट का नाम है फोटो मार्केट, जैसी आप एंट्री लोगे जैसी आप फर्स्ट फ्लोर पर जाओगे, राइट हैंड साइड पर एक शॉप है उसका, जिसका नाम है जय माता दी शॉप। उस शॉप से मैंने ये कैमरा लिया था और उन्हीं भाई साहब ने मेरे को 2 साल की वारंटी भी मेरे को लिख के दी थी, बकायदा एक कार्ड पर दिया था, उन्होंने मुझे एक प्रॉपर बिल बना के नहीं दिया था। बट अगर आप कैमरा लेने जाओ तो उसका आप एक बिल बनवा लेना और उनसे भाई सही तरीके से बात कर लेना कि भाई। और हाँ, अगर किसी को कैमरा वैमरा चाहिए, नॉलेज नहीं है, तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं दिला दूंगा। लेकिन हाँ, जब मेरे पास टाइम होगा भाई गाइस, मैं तभी जाऊंगा, अदरवाइज मैं भाई मैं हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं हूं, मैं ये भी बात कह रहा हूं। बट आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वहाँ अगर आपसे मैं एग्री हो जाता हूँ तो मैं ज़रूर आपके साथ जाऊँगा, और ऐसा मैंने किया भी है, ठीक है। आई होप कि आपके सभी कमेंटों का जवाब इस वीडियो के थ्रू आप सभी लोगों को मिल गया होगा। तो ये थी भाई कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और भाई उस वीडियो का जवाब इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैंने दे दिया। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कर देना, और लाइक सब्सक्राइब तो आपके ऊपर है भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।